हेलो डियर फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में मैंने आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस तथा पास्ट के भी दो सेंटेंस मैंने आपको सिखाने का प्रयास किया, पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट कंटिन्यूअस। टुडे आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन वेरी डीपली एंड वेरी एक्सप्लेन्ड एंड वेरी इंटरेस्टिंग पास्ट परफेक्ट and I will try to solve your problem very easily and I will try to simplify your problem and I will use my so simplest way so that you can understand it very well. Chaliye, let us come on. हम देखिए past perfect है, past perfect की पहचान मैंने बताया था आपको, तो इसमें पहचान होगी जिन हिंदी वाक्यों के अंत में चुका था, चुकी थी या चुके थे इत्यादि शब्द आते हैं, तो हम मान के चलेंगे वो सेंटेंस पास्ट परफेक्ट सेंटेंस होगा। दूसरी बात में इसका फॉर्मूला आपको बता देता हूं, सरल है और सिंपल है सेंटेंस। इसका फॉर्मूला है, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, दूसरे नंबर पर हैड। अब इसमें हैड के अलावा हैज या हैव कुछ नहीं आएगा, पास्ट में केवल एक ही हेल्पिंग वर्ब है, पास्ट परफेक्ट में केवल हैड का यूज करते हैं, चाहे प्लूरल हो सब्जेक्ट या सिंगुलर सब्जेक्ट, कोई सा ही बना रहे। यहां पर जरूर वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं, यूज करते हैं, आप इसको जरूर याद रखिए। मैंने पिछले सेंटेंसेस में या पिछले वीडियोज में ही बोला कि भाई वर्ब की थर्ड फॉर्म जरूर याद कीजिए, क्योंकि दीज आर वेरी कंपलसरी, विदाउट अ थर्ड फॉर्म वी कैन नॉट फॉर्म एनी काइंड ऑफ सेंटेंसेस, सो दीज आर वेरी इसेंशियल, इनको याद करना बहुत जरूरी है अगर अंग्रेजी सीख रहा है तो। और अगला इसके बाद में आ जाएगा अपना ऑब्जेक्ट और लास्ट में अदर वर्ड। चलिए देखिए, हम एक सेंटेंस ले लेते हैं, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे वे पत्र लिख चुके थे, वे पत्र लिख चुके थे, और ये सेंटेंस मैं इसलिए ले रहा हूं क्योंकि ये वर्ब जो है जैसे राइट है, तो हमने कई बार इसको याद भी किया है, इस्तेमाल भी किया है, तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। पहले समझना जरूरी है, पर बाद में टिपिकल सेंटेंस हम ले सकते हैं। जैसे वे पत्र लिख चुके हैं, तो सबसे पहले सब्जेक्ट माना है काम करने वाला, तो यानी कि दे। दूसरे नंबर पर वर्ब दिखाया, हेल्पिंग वर्ब, हेड है तो हेड लगाएंगे, सभी के साथ हेड आएगा, चाहे फिर सिंगुलर हो या प्लूरल हो, तो दे हेड। और थर्ड फॉर्म वर्ब, वर्ब माना होता है काम, क्या काम हो रहा है, ये काम इसमें हो रहा है लिखने का, तो लिखना क्या बोलते हैं, राइट। थर्ड फॉर्म क्या होगी, रिटर्न, क्या लिख चुके हो, ऑब्जेक्ट आ जाएगा, लेटर, तो ये लेटर। इस तरीके से हम इसको सेंटेंस को फॉर्म कर सकते हैं, बहुत सरल है सेंटेंस, बहुत सरल है। एक एग्जांपल और ले लेते हम, और क्लियर हो जाएगा। जैसे मैं स्कूल गया था, मैं स्कूल गया था, या फिर मैं स्कूल पहुंच चुका था, ये कई बात है, काम पूरा कंप्लीट हो रहा है, तो इसमें देख लीजिए आई मान में और हेड लगा देंगे यहाँ पर, और वर्ब की थर्ड फॉर्म गो की गोन, तो आई हैड गोन, और मैं स्कूल गया तो आई हैड गोन टू स्कूल। इस तरीके से हम जो है सेंटेंस बना सकते हैं। और अगर मान लीजिए हमें इनको निगेटिव बनाना है, तो निगेटिव बनाने के लिए हमें हेड के बाद में नोट लगा सकते हैं, सरल है, मैं ये बना के बता देता हूं। जैसे वह पतंग नहीं उड़ा चुका था, या फिर उसने पतंग नहीं उड़ाई थी, ये एक ही बात है, तो इसी तरीके से हम इसको बनाएंगे, ही हेड लगाइए
ऐड के बाद में नोट मैंने आपको बताया था, तो नोट लगा दिया। इसके बाद में बल्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी। अब तो क्या काम है इसमें, उड़ाना। तो फ्लाई माने उड़ाना होता है, तो बल्ब की थर्ड फॉर्म कौन सी हुई, फ्लोन। तो ही हैड नॉट फ्लोन ए काइट। तो इस तरीके से हम नेगेटिव बना सकते हैं, ठीक है ना। और ही मैं आपको एग्जांपल और ही बता देता हूं। इसी तरीके से मान लीजिए भाई, इसको जैसे वह स्टेशन पहुंच चुका था, तो ही हैड रीच्ड एट द स्टेशन। वह तस्वीर बना चुका था, तो ही हैड मेड ए पिक्चर। इस तरीके से मैं अंग्रेजी में भाषण दे चुका था, आई हैड डिलीवर्ड लेक्चर ऑन द स्टेज। इस तरीके से हम बोल सकते हैं, ठीक है सर। अब इसको हम देखते हैं कि इसको इंट्रोवर्ट अभी कैसे बनाते हैं, अर्थात प्रश्नवाचक। अब प्रश्नवाचक बनाने के लिए इसमें क्या करना है, हम मैंने कई बार आपको बताया है कि सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब को लगा दीजिए, प्रश्नवाचक बन गया। अब इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो देखिए हम पहला एक सेंटेंस बना लेते हैं, जैसे सी हैड प्लक्ड फ्लावर्स, वह फूल तोड़ चुकी थी। अब इसको हमें इंट्रोवर्ट बनाना, क्या वह फूल तोड़ चुकी थी, तो हम इसको यहां पर उठा कर लगा देंगे, हैड सी प्लक्ड फ्लावर्स। इस तरीके से हम जो है सेंटेंस बना सकते हैं, नेगेटिव भी बना सकते हैं, बताया यहाँ पर नेट नोट लगा करके बना सकते हैं। और यहाँ पर जो है इंट्रोवर्ट बनाना है, तो हम हेड को शुरू कर लिया जैसे हमने यहाँ लगा दिया। तो इस तरीके से सेंटेंस बना सकते हैं, मुझे लग रहा बहुत सरल है। ऐसे ही हम बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हैं, ठीक है नी। जैसे क्या वह स्कूल गया था, या वह स्कूल जा चुका था, तो हैड ही गॉन टू स्कूल। क्या मैं आपको पढ़ा चुका था, हैड आई टॉट यू इंग्लिश। तो इस तरीके के सेंटेंस बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हैं, और मुझे लगता है कि आवश्यकता है तो अब प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि सीखना तो बहुत सरल बात होती है, लेकिन उसको प्रैक्टिस करना और उसको अपने फ्लुएंसी में लाना, अपने व्यवहार में लाना सबसे बड़ी बात होती है। सो मैं आई वुड लाइक रिक्वेस्ट यू, प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू, प्लीज़ ट्राई टू स्पीक वाट एवर यू स्टडी। आप जो कुछ भी पढ़ते हैं उसको व्यवहार में लाएं, बोलने में लाएं, तो आप जल्दी से जल्दी अंग्रेजी सीखेंगे। और अंग्रेजी मीन्स इंग्लिश इज नॉट सो टिपिकल लैंग्वेज, यू कैन अंडरस्टैंड, यू कैन लर्न इट वेरी इजीली इफ यू डिवोटेड। देयर इज नीड ऑफ डिवोशन, देयर इज नीड ऑफ स्ट्रगल, देयर इज नीड ऑफ गिविंग टू मच टाइम टू इंग्लिश लैंग्वेज, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड वेरी वेरी इजीली, यू कैन लर्न इंग्लिश वेरी इजीली, बिकॉज इट इज सो सिंपल लैंग्वेज एंड इंटरेस्टिंग एंड फनी लैंग्वेज। थैंक यू टू वॉच माई वीडियो, थैंक यू।